आम जीवन एत सत घटना भर्ती रही जो सत घटना को शुणिले आमको विश्वास हेनी आम भाव बोते गोटे सिनेमार कहानी बा गल्पर कहानी ना बहुत सत घटना अच्छे आउ गोटे कथा ये जीवन कहानी को नहीं तो सिनेमार हुए नोवेल लेखा हुए उपन्यास लेखा हुए गप कहानी लेखा हुए भुवनेश्वर घटी एक चरम सत घटनाटे कह दर्ष तलर कथा जड़े भद्र व्यक्ति सीए राज्य सरकार चाकरी करते दुई वर्ष तलू सी अवसर नहीं सी तक स्त्री बहुत खुशी थे सरकारी क्वार्टर तापर से निजे जो बहुत कष्ट करजर गोटे घर टे ताकि गले सिफ्ट गले गलापर निजर पुओ बाहाटा भी करदे गोटे बोली पुओ बहुत ठाकुर को डाक पुओटे पाई तार बाहर करदे अवश्य पुअर लव म्यारेज था से जो भी कहला से बाहर करदे पुओ बहुत दिजन जाक चाकरी से तो पुणी भुवनेश्वर चाकरी तेणु से भद्र व्यक्ति आम कह ना नवानी सीए स्त्री भाविले बाह के भाग्यवान आम एटी चाकरी कर चाकरी अवसर नेलु एटी घर खंडे किण के रहिलु पुओ बो एटी चाकरी वाह कि आनंदर कथा किंतु सबु आनंद निरानंद हो गला सबु आलोक अंधकार हो गला जेतेले बो होई आसिले तापर आरंभ हो गला मासे दिमास खंडे बाघर आनंद जाइछि तापर शाशुघर खिटखिट खिटखिट आरंभ हो गला कारण कौन सी परिस्थिति रे घरर संस्कार श्रृंखला मर्यादा किछि मानिया को से बहु प्रस्तुत न आधुनिक युगर क्लासमेट एवं सी जहाँ कहब पु से पुअर वयस ना कारण भल पाइबा होती कमिटमेंट दे बाघर पूर्व एसा हम तसा हम ये हौ हौ बाघर ठीक बर्षे पूर्णी बास भद्र महिला देहांत हो गला हार्ट फेल कि मन दुख तापर आपने भाविपे भद्र व्यक्ति एकुटिया रे पु बहु डोमिनेंट बहु घर भितर कि कहार ना पार्टी बंद भद्र व्यक्ति चुपचाप हो छमास खंड जापर दिने पु रविवार देखिए फटी गले बाबा आपठी एकुटिया रोचे माँ का गलापर भल लगुनि गोटे अनुरोध हो तो गाँ को भल पाते गाँव में जन्म होते गाँ मटी आपन को बहुत सहाय गाँव में जमीवाड़ी अच्छी घर अच्छी आपण की गाँ लोक सहित मिसुक कितने सुंदर कथा कहीदे आपण भी कहते अवसर पर अधिकांश समय गाँव में कटेबी तेणु भल हम आप कहीं चुपचाप कर बसवे क्या सहित फ्री में कथ पार ना मन दुख हो गाँव में रही जातु जाइ मझे मझे पलि आस आम तो ये अच्छा आप इंजय कर आम इंजय कर छड़े भी आप खोलिकी कहीदे आम दिज चाकर करूँ आ बहु जो भाई चल प्रचल आम सांग आसवे बोहूर सांग आसवे आपण थर से फ्री हो पार नहीं सत कथा खोलिकी कहीदे कहीं भूल बुझाणा हम तेणु आपत कौन गोटे रूम्रे बंद हो बसवे तार तो सांग आसवे मोर सांग आसवे आम लेट नाइट मैंने विकेंड में विभिन्न पार्टी हम मुझे खोलिकी आपको कहीदे आप खुशी हूँ मो मन में किसी हिडन एजेंडा ना कि आनंद लगे आपने भावत बाप हाउ ठीक अच्छे किंतु से बुद्धिमान लोक बेकी लोक से कहे जुक्तितर करें किसी करें कहला अच्छा हो पुओ मुझ गाँ को पलिबी टी भाविंती कर तार दु तीन दिन पर पुओ को डाकिले पुओ मु तो गाँ को चली जी कि मुझे गोटे कमिटमेंट दे बाहर पर तुमको बाहर को बुले जीव नि पंदर दिन मुझे टिकट कर दे सारा नॉर्थ इंडिया मुझ सब एयर टिकट कर दे होटेल कर दे सब कर दे टा नि जाए तुम बुले आस बहु पुओ बहु कि आनंद खुशी तार तीन दिन पर जबार अच्छे से सपिंग है कि फ्लाइट रे चलीगले बास सर से जेमते चलीगले भद्र व्यक्ति चुपचाप से कहनी जो मैंने चुपचाप धीर स्थिर लोक जो मैंने सचिंत से मैंने ठीक कामटा करके देखाती आलुओ अंधार भितर आलुओ पाते जो मैंने खाली बड़ बड़ हमें बड़ बड़ कथ कहते हैरान हमें से कौन कले घर टी आरेज कर बिकिदे जो टाँह है निजर आउ गोटे फ्लाट रे डबल बेडरूम टे किदे जहाँ फर्णिचर सब किणी आउ टा फिफ्टी फोर्टी करदे पुओ बोहूपाई से पाख आपार्टमेंट्रे भी डबल बेडरूम रोटे घर भड़ा नहीं जाकि वर्षक से भड़ा देदे ये घर तक जिनपत से सब सिफ्ट करदे जमी पंद्रह दिन पड़ापर से फेरिले फेरिकी आस एयरपोर्ट आस घर पहुँचल देख ला बेलू सब घर चेंज हो हालत और सिक्यूरीटी गार्ड अच्छे से कह ना ये घर बिक्री यहाँ आउ पुराण मालिक नुआ मालिक से कौन कले पु बाप को फोन कला आश्चर्य है बाप टैक्सी आसिले हसी हसिक पहुँचल कौन है भल बुल भल है आनंद है बहुत बड़ा आ शुण ये चमी नि मो यहाँ मु तुम्हें से पाख फ्लाट जो देखु से गोटे टू बेडरूम फ्लाटे भड़ा नहीं जाइए तुम्हें वर्षक भड़ा दे दी वर्षक तुम किसी चिंता ना तुम दीज तो चाकरी कर टाँह भल पाऊ पर देव आनंद रुह एकदम किसी असुविधा हेनी हाँ तुम सब जिनपत मुँह भी से सीफ्ट कर दे मोपाई व्यस्त हेनी मोर का गाँव को भी पलि मो व्यवस्था मुझे करी आम आशीर्वाद करुच्ची
ଯେଉଁଠି ଥିବ ତୁମେ ଭଲରେ ରୁହ କହି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ସେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଁ କରି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପୁଅ ଘରେ ମୋ କୁଣିଆ ପୁଅ ଘରେ ମୋ କୁଣିଆ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସାରା ଗ୍ଲୋବାଲି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଆମ ପାଖକୁ ହଜାରେ ଉପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିରାଟ ସତ କଥା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦେଇଥିଲୁ। କାରଣ ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପେଟିବା ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ ହେବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ହତଭାଗା ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୁଅ ଟିକେ, କାରଣ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦେଇଥିଲୁ, ସମାଧାନ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସେଇଟାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇ ଆପଣ କାହିଁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ବମ୍ବେରେ ଅଛୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛୁ, ପୁନେରେ ଅଛୁ, ସିଏ ଯାଇଙ୍କ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଆୟା ପାଖରେ କାହିଁ ରହିଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଉଛୁ, ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏପଟେ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି, ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିଷାଦ ହେଉଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କିଭଳି କରିବ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆପଣ ସତ ଘଟଣା କହିଲି କାହାଣୀ ପଡ଼ି ଲାଗୁଥିବ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ଶେଷରେ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲା, ଶେଷରେ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲା, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବାନି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବାନି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ହତଭାଗ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଭାବିବାନି।